तरह है लेकिन देख नहीं रहे, खाना नहीं मिल रहा पेशेंट को, तो दिक्कत हो रही है ना, बदनामी होगी ना सरकार की। पेशेंट कितना है वहाँ पे? वहाँ पर 100 बेड का, और उसमें दवा भी नहीं पेशेंट को मिल रहा है। लोग शिकायत कर रहे हैं राजू जी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं ऊपर फोन किया हूँ, तो ऊपर फोन किया तो क्राइम ब्रांच का लोग आए हुए थे, मिश्रा जी बोला राजू जी हम 2-3 घंटे के बाद अवेलेबल कर दे रहे, नंबर फोन इंचार्ज में है इसका यहाँ अंदर, और वो भी गए इंक्वायरी किए तो देखे कि बोला राजू ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पर व्यवस्था चरमर है, सब चीज व्यवस्था किया हुआ है, लेकिन दिक्कत कर रहा है डॉक्टर लोग, और दुमका का डॉक्टर लोग है देख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर भी पेशेंट को नहीं देख रहा है, दवाई भी वहाँ नहीं है, और भोजन भी नहीं है, कोई चीज नहीं है ना? ना कोई चीज नहीं, सिर्फ नाम का केवल कर दिया, नाम का खाली ताम झाम में लोग ओपनिंग कर दिया है, फोटो वोटो खींचा, बस 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 यही ना हुआ है, यही हुआ दम यही हुआ। और वहाँ पर किसी तरह का कोई भी सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है अभी, सुविधा सब है लेकिन डॉक्टर बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अरे जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के लिए बोला जा रहा है कि रिसालदार बाबा अस्पताल में 100 या 60 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऑक्सीजन है क्या वहाँ पे पेशेंट्स के लिए? ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर लोग बदमाशी कर रहे हैं, कोई मरीज को देखने के बाद दवा ना चाहिए ना, दवा हुआ नहीं लिख रहा, खाना का प्रॉब्लम है, एक बुढ़िया चिल्ला रही थी, क्राइम ब्रांच का आदमी मिश्रा जी गए हुए थे उसके सामने, अभी मिश्रा जी वही ले कोई स्वास्थ्य मंत्री के पीए के हैं, यहाँ यहाँ प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कीजिए और डॉक्टर उपलब्ध कीजिए, सब बेड तो लगा दिए सरकार की तरफ से। लेकिन तो जैसे वहाँ तो जगह तो आप लोग का सामाई दिया होगा ना राजू गद्दी जी? हाँ, रिसालदार बाबा का जो हॉस्पिटल कैंपस है वो तो आप लोग की जमीन पे बना होगा, आप लोग के द्वारा? हम लोग की जमीन पे बना। अच्छा, और इसमें क्या था कि जो बेड उड लगा है या जो ऑक्सीजन सप्लाई का व्यवस्था हुआ है ये सब हुआ वो गवर्नमेंट अपने स्तर से कराई है या आप लोग भी समाज की तरफ से कराए हैं? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट अपने स्तर से करवाई है, गवर्नमेंट अपने स्तर से कराई है। हाँ, गवर्नमेंट को दबाव दिया गया कि भैया यहाँ पर लोग इतना इतना मर रहे हैं, तो सुविधा यहाँ बढ़िया से दीजिए, अभी हॉस्पिटल नहीं हुआ। तो बन्ना गुप्ता और मुख्यमंत्री जी से दोनों से बात हुई, तो वो तो बेड और ऑक्सीजन लगा दिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर का अकाल है। अच्छा, तो सरकार अपने स्तर से वहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की है? डॉक्टर लोग सरकारी तरफ से आए लेकिन डॉक्टर लोग उतना देख नहीं रहा है, मतलब एक डॉक्टर है, दो डॉक्टर है, पांच डॉक्टर है, कितना डॉक्टर वहाँ दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया 3 या 4 डॉक्टर है, 3 या 4 डॉक्टर, और उसके अलावा और भी तो कर्मचारी जरूरत होगा, नर्स का जरूरत होगा, अटेंडेंट का जरूरत है, नर्स है। अच्छा अच्छा, उन लोग इनकेयरलेस कर रही है, लोग बोल रहा है, परिजन को भी घुसने नहीं दे रहा है, अच्छा खाना भी नहीं दे रहा है। अच्छा, खाना व्यवस्था करना क्या आप लोग के समाज के लोगों को खाना बना के देना था या सरकारी स्तर पे उसकी व्यवस्था होनी थी? नहीं तो सरकारी स्तर से बोले थे देंगे, तो सरकारी स्तर से अभी कल शायद सुनील जी सामान आया हुआ, अभी हम तो नहीं जा रहे, घर में क्वारंटाइन है, अभी पॉजिटिव है बहुत ज्यादा। हाँ नहीं, कोविड नहीं है, हम ऑपरेशन करवा लिए है बौशीर का। अच्छा अच्छा अच्छा, अब फीवर आ गया था, इतना हरासमेंट, इतना फोन आ गया ना, और इतना दौड़ धूप लोगों को भर्ती कराना। अच्छा, ओपनिंग वाले दिन आप थे ना वहाँ पे राजू गद्दी जी? जी सर, ओपनिंग जिस दिन हुआ था उस दिन आप भी थे ना वहाँ पे? हाँ हम भी थे। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोग सोचे थे कि सब व्यवस्था अच्छी रहेगी इसलिए सरकार के साथ मिल करके आप लोग प्रयास करके हॉस्पिटल खोल तो दिए हैं वहाँ पे, लेकिन लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है? फायदा नहीं उतना मिल रहा है, और इसके लिए कमी जो है वो प्रशासनिक स्तर से ही माना जाए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि वहाँ डॉक्टर अवेलेबल कराए, नर्स अवेलेबल कराए, दवाई अवेलेबल कराए, या मरीज के लिए और भी जो जरूरी चीजें वो अवेलेबल कराए, तो उस स्तर से आप लोग को लग रहा है कि कमी हो रहा है? हाँ हम लोग को लग रहा है कमी हो रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं ना, जैसे जो पेशेंट मान ले हम लोग भर्ती करवाए फोन के द्वारा, तो उन लोग शिकायत कर रहे हैं राजू भाई यहाँ पर कोई सुविधा नहीं लग रहा, कोई डॉक्टर ही नहीं है, उन लोग की शिकायत हो को हम लोग ऊपर कदम उठा रहे कि आखिर आप बेड लगा दिए, ऑक्सीजन लगा दिए, डॉक्टर दो तीन में क्या होगा, डॉक्टर उन लोग चेक नहीं कर रहा सही से पेशेंट को, तो पेशेंट को तो दिक्कत होगा ना। तो आप लोग का तो चूंकि व्यक्तिगत संबंध भी होगा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना जी के साथ या फिर मुख्यमंत्री हेमंत जी के साथ,
तो आप लोग उनका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट नहीं किए कि सर यहाँ पर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, कल डीसी साहब को फोन किए थे, रिसलदार बाबा के सदर, दरगाह कमेटी के सदर फोन किए थे डीसी को, बोला नहीं ठीक हो जाएगा, व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो अभी अभी सुबह में करंट के आदमी आया हुआ था मिश्रा जी, वो इंक्वायरी करके गए और इंक्वायरी करने के बाद वो भी बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पर जरा व्यवस्था जरा दिक्कत है। तो वो अभी बन्ना गुप्ता के पीए के पास गए हुए, बोले जाइए सर, मिश्रा सर। सच्चाई तो ये है कि सदर हॉस्पिटल जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के निगरानी में रन हो रहा है, वहाँ पर आज इतना व्यवस्था का माहौल है और वहाँ पर जब सब चीज अभी तक इन लोग व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं। जी जी। तो इस तरह का जो नया सेंटर खोले हैं वहाँ पर भी इस तरह का प्रॉब्लम है? जी जी, प्रॉब्लम है। हाँ, और फिर आदेश जारी कर देने से या फिर ओपन कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जी जी, ठीक है। वही वही चीज के लिए तो आदमी बोला जा रहा है, क्योंकि हम लोग समाज सेविक आदमी, हम लोग मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, वहाँ से हम लोग संस्था से रिलेटेड है। ठीक बात है, मान लीजिए आप लोग सब चीज उपलब्ध करा भी दी है, जमीन समेत जैसे वहाँ बेड वेड जो लगा वो सरकार दी है, आप लोग दिए है? नहीं, सरकार दी है बेड ऑक्सीजन, सब सरकार दी है। अच्छा, बेड ऑक्सीजन या फिर जो भी सुधार का चीज हुआ है वहाँ पे सब चीज गवर्नमेंट तैयार करवाई है ना? हाँ, गवर्नमेंट तैयार की। ये गवर्नमेंट की तो अच्छी पहल है, लेकिन ये है कि सिस्टम फैली हो रहा है। हाँ, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है और यहाँ पर साफ सुथरा जगह है, वातावरण भी ठीक है और लोकेशन अच्छा। गवर्नमेंट तो पूरा प्रयास की है इसमें, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास खबर नहीं गई है मोदी मंत्री के पास कि यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वो तो उद्घाटन करके चल गया, हम लोग तो अपने बिजी है। नहीं, उन लोग के पास खबर जाएगी, सरकार तक इस बात की खबर जानी चाहिए कि ऐसा हो रहा है। हाँ, तब हम लोग अंत में फिर बदनामी तो गवर्नमेंट का ही होगा, जो आदमी उसमें सफरर होगा या मान लीजिए जिनका मरीज डेथ कर जाएगा वो तो जी भर के कोसेगा स्वास्थ्य मंत्री को और मुख्यमंत्री को। हाँ, वो तो कोसबे करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी सामाजिक स्तर पे मुख्यमंत्री तक और स्वास्थ्य मंत्री तक ये जो सच्चाई है उसे रूबरू कराइए, क्योंकि आज तो मेरा चलिए एक पेशेंट बीमार था, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, तो उसके लिए हम आपको फोन किए। अच्छा हुआ कि आप फोन पे ही मुझे पूरा डिटेल बतला दिए, ताकि हमारा कोई दूसरा विकल्प उनके लिए तलाते। हालांकि मैं रांची का सुबह से 14 हॉस्पिटल में प्रयास कर रहा हूँ, कहीं पर भी कोई भी नहीं बेड के लिए हामी भर रहा है। सर, तो मेरा एक अच्छा शुभचिंतक मित्र था, वो आपका नंबर मुझे भेजा कि ऐसा सा बात है, वो रिसालदार नगर में एक नया खुला है कोविड हॉस्पिटल, और सुनील भाई अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन सपोर्ट आपको यहीं से मिलेगा, तो जरा सा प्लीज संपर्क कर लीजिए, इसलिए मैं आपको संपर्क किया। जी जी, सुनील जी, चलिए ठीक है राजू भाई, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ठीक ठीक। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, stwatchavianpost.com, क्योंकि खबरें और भी हैं।